ग्रेट वंडरफुल. तो जैसे कि न्यू टीम है, प्लीज आपको सेंटर में आना पड़ेगा. द टीम कैमरा टीम प्लीज हेल्प देम, कहां पर आना रहेगा आप डायरेक्शन बता दो, इजी रहेगा. तो थोड़ा सा जानते हैं इनसे भी, टोटली फ्रेश है, अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है ना. नहीं नहीं, ये जो तीन अभी आए हैं ना ऑन स्टेज, हाँ प्लीज एक साथ रहेंगे तो हमें पता चलेगा. अच्छा हाँ, आप हिमांशु जी के वहाँ जाए, वो यहाँ नहीं आएंगे. हाँ नहीं सॉरी की बात ही नहीं, आप भी यहाँ जाए ताकि एक साथ ही हो जाए आपसे सवाल. And that excitement, I remember meeting one of the legendaries, I would say, Mahesh Bhatji. उन्होंने बताया कि there is always a nervousness before you start something and that is really needed to start a project. Please, who would start first? Shan, may I please request you to speak about this project? Or probably, you know, you might not even know about the project. शायद आपको ना पता हो, तो please about the production house and Himanshu ji. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम शान है, शान मिश्रा, और मैं इस टीम के साथ काम कर चुका हूँ. हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म शूट करी है सोशल मैसेज के साथ. तो योगेश जी हो गए, अभिषेक भाई हो गए, आनंद भाई हो गए, एंड द होल टीम इज देयर पूरी प्रोडक्शन की. इन लोगों के साथ हम लोगों ने शूट ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिया है फिल्म का, बस कुछ मॉन्टेजेस शूट रह गए हैं हमारे. बट बहुत ही कमाल की टीम है, बहुत ही काम है हमारे डायरेक्टर, पूरा प्रोडक्शन हमारा बहुत प्यार मोहब्बत और शांति से चीज़ें निपटा लेता है. और बिफोर टाइम हम लोग हमेशा पैकअप कर लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, और बहुत मज़ा आता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट. हेलो, दिस इज दृष्टि भानुशाली. You have seen me in a serial which was in the Star Plus. It was called as Chashni. My recent movie Vikram Vedha with Hrithik Roshan and Saif Ali Khan. So let's just go out of that topic and come back to the new project that I'm doing first time with my friend Gyanendra and this production. And it's going to be very good experience working with them. And it's going to be the first time working with my friend, my co-actor and the amazing actor we have right now, amazing actor on my left and right side. I'm very thankful for that. And yeah, thank you. Yeah, actually before I worked with Abhishek uncle and Yogesh sir, actually we did a short film Jati. So working with them was really a good experience between and thanks Drashti. थैंक यू. फाइनल फोटोग्राफ और फिर हम मूव इन करते हैं. कुणाल जी प्लीज. सर थोड़ा पीछे जी ना. So much for inviting me and Yogesh and Abhishek and Anand. I wish you all the very, very best for this project and many more videos to come. And love you loads and lots of blessings to you and all the very best to the team. I really need to see them in this video. So, kya jadu kiya hai mera dekhe. Take care, thanks. Have a lovely evening. Even a very good evening. Thank you so much. And aap please jaiye mat. Thank you so much. Please, one to one bites ke baad hi jaiye. क्योंकि यहाँ का ऑडियो शायद बहुत क्लियर ना हो, है ना. थैंक यू सो मच कुणाल जी. आज तक वाला कौन सा, यही है ना. आज तक थैंक यू. हम लोग सही बोलते हैं. सबको नमस्ते. आप लोग को पता है मुझे कहीं भी बुलाते तो ब्लेसिंग के लिए बुलाते. कि मीडिया भाई कैसे आप लोग, सब बिजी पड़ गए ना, टाइम ही नहीं है ना. कितने सारे स्टार आ गए एक साथ, किसके से किसके आगे किसके लो ना, ऐसे ही होता है. देखो दिल से जो काम करोगे ना, दिल से करोगे,
किसी ब्लेसिंग की भी जरूरत नहीं है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस सबसे आगे है, खुद ही करना है ना, मेहनत सबसे ऊपर, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। दिल से दुआ है सबके लिए, दिल से दुआ है। कौन क्या बोल रहे हैं सुनो, तुम तो चूसी कर रहे हो ना, तो करना ही है, तो पीछे हटो मत, आगे बढ़ो, दिल साफ रखे, नियत साफ रखे, खुद का कॉन्फिडेंस, भगवान के ऊपर भरोसा रखे। सबको नमस्ते। पहले तो ये बताना चाहिए, आप लोग मुझे जानते हो क्या? नहीं। और भगवान कौन कौन जानते हैं? वाओ मेरे प्यार दीदी, और थैंक यू जो मुझे बुलाया। बहुत बहुत परिचय दे दिया, मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं हूँ बम्बई लोकल ट्रेन की एक रुपए वाली जूनियर रेखा, एक भिखारी हूँ। तो इन लोगों का मन कितना साफ है जो मुझे ट्रेन से बुला के इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया। तो इसको मैंने तो प्रूफ तो हो गए ना, जो उसके मन में कोई पाप नहीं है तो सक्सेस तो होना ही है। ऐसे प्यार करना, ऐसे इज्जत करना। थैंक यू सबको, नमस्ते, दिल से दुआ है सबके लिए। अच्छा, आपसे भी प्लीज रिक्वेस्ट है, वन टू वन इनकी भी जो है हम कहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है। यस प्लीज, मैं चाहती हूँ कि हम, हाँ थैंक यू प्लीज, हम चाहते हैं कि आप प्लीज अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, है ना? मैंने जस्ट जाना कि आपके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। नमस्ते सबको, बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके, मैं पहली बार इन सबको मिल रहा हूँ। और अगर मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो मेरी दो वेब सीरीज आने वाली है और एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है, तो जैसे आएगी मैं तुरंत सबको बताऊँगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यस, मैं सोशल मीडिया पर बताऊँगा। ओके, मेरी आईडी है राहुल जेठवाल, फोन नंबर दे दो उसमें, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, पर करवा दूंगा आज ही करवा दूंगा। हाय एवरीवन, दिस इज जस्टीन, एंड एज एन अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो मेरी तीन मूवी है जो रिलीज पे है एंड बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी, एंड डबिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे, वो भी मैं राहुल भाई के जैसे इंस्टा पे ही अपलोड करूंगा एंड आप सबको बता दूंगा। एंड माय हैंडल इज रियल जसलीन सिंह, दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेल डिजर्विंग अप्लॉज। प्लीज रुकिए दो मिनट, एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए आप लोग के साथ भी, हिमांशु जी का प्लीज। A very hearty congratulations to the complete team, Lean's Music. Congratulations, sabhi ko. Thank you very much. Actually, मुझे सबसे पहले आनंद जी का कॉल आया था इस प्रोजेक्ट के लिए, देन मैंने हाँ करी और हमारा शूट बहुत ही अच्छे से हुआ है। मीन्स सबसे पहले मैंने इसके लिरिक्स सुने थे और मुझे ये गाना थोड़ा सा बदनाम बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज मेरी बात हुई थी कि आप प्लीज़ पहले मुझे गाना भेजिए तब मैं डिसाइड करूँगी, और गाना जब मैंने सुना ना तो मुझे लगा इट्स वेरी इमोशनल और ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मतलब जिसने भी लिखा है ना बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बेस्ट तरीके से लिखा है। देन मैंने इसके लिए हाँ करा और हमारा शूट बहुत ही अच्छा रहा, पूरी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सब बहुत अच्छे थे। आई रियली एंजॉयड अ लॉट। इसके अलावा लोगों ने भी काफी कहा जो यहां पे मेहमान आए कि गाने में इंटेंसिटी केमिस्ट्री काफी अच्छा नजर आता है दोनों ही एक्टर्स का। ओके, कितना बढ़िया लगा सुनकर। आदेश जी जो थे ही वाज वेरी सपोर्टिव और उनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, ही इज आल्सो फ्रॉम टीवी, आई एम आल्सो फ्रॉम टीवी, तो उनके साथ पहला एक्सपीरियंस था, बट इट वाज टोटली गुड, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया, हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी थी, जहाँ मैं कुछ गलती कर जाऊँ वो मुझे समझाते थे, हम दोनों का मीन्स अच्छा रहा, ओवरऑल इट वॉज वेरी नाइस।
इनकी हाँ इनके लिए मैं यही कहूँगी कि इनको थैंक यू सो मच कि इन्होंने मुझे अपने गाने में थोड़ा सा बदनाम में पहली अपॉर्चुनिटी दी एंड थैंक यू सो मच सीरियसली. और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके एंड आई होप कि नेक्स्ट भी हम काम करेंगे बहुत जल्दी साथ में. प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, लिरिक्स राइटर्स, कंपोजर्स सब बहुत अच्छे हैं. सबने गाने को बहुत डीपली अच्छे से लिखा, उसको अच्छे से शो किया है एंड इट इज़ रियली नाइस. नहीं सर, मैं प्रॉपरली इस फील्ड से नहीं हूँ. एक्चुअली एके जो है एके ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसमें लगभग 4 से 5 अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं. तो जिसमें सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी बिजनेस है वो रियल इस्टेट है और कहीं ना कहीं यूपी, बिहार और 5 स्टेट्स में हम लोग लीडिंग रियल इस्टेट कंपनी है. साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का भी काम है जिसमें हम लोग लगभग 40+ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह का हमारा अपना ब्रांड है और लगभग 6 से 7 स्टेट्स में हमारा काम शुरू हो चुका है. उसके बाद फाइनेंस सेक्टर में भी है. जस्ट फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया गया और म्यूज़िक इंडस्ट्री में चूँकि मैं पर्सनली यूपी, बिहार से बिलोंग करता हूँ तो सबसे पहले हमने अपनी लोकल लैंग्वेज में डेंजर म्यूजिक्स का एक म्यूज़िक चैनल लॉन्च किया जिसमें भोजपुरी के सारे बड़े स्टार्स, खेसारी लाल जी, अंकुश पराजा, सब ने उसमें काम किया और कर रहे हैं लगातार हम लोग. फिर हम लोग हिंदी की तरफ बढ़े और लीन्स ऑडियो कंपनी हमने लॉन्च किया. और इस कंपनी का मूल मकसद और विज़न यही है कि हम, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हम नए लोगों को इसमें अवसर दें जिनको एक मुंबई में शुरुआती दौर में मुश्किल होती है काम करने में और काम पाने में, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा नए और फ्रेशर्स चेहरों को हम मौका दे सकें. यह कंपनी का उद्देश्य है कि हम अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स को अवसर दे पाएँ. इसी उद्देश्य के साथ लीन्स म्यूज़िक का शुरुआत किया गया और अतीक जी हमारे लिरिक्सिस्ट हैं जिन्होंने इस गाने की रचना की. वो हमारे मूलभूत प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और उनके साथ शुरुआत हुआ और अभी तक वो लगभग हमारे 10 से अधिक सॉन्ग्स को लिख चुके हैं और 10 से अधिक सॉन्ग्स हमारे तैयार हो चुके हैं. और कंपनी अपने दर्शकों को इस बात का विश्वास दिलाती है कि हम सप्ताह में कम से कम एक गाना ज़रूर अपने दर्शकों को देंगे और ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा. धन्यवाद सर. आने वाले दिनों में आपको लगभग, मैंने जैसा कि बताया आपको कि हर सप्ताह हम आपको एक नया गाना देंगे, हर सप्ताह आपको एक नया सॉन्ग सुनने को मिलेगा, जो नेक्स्ट वीक हमारा फिर एक सॉन्ग आएगा. साथ ही साथ इसमें एक कोलैबोरेशन होगा नए सिंगरों का और पुराने सिंगरों का, दोनों को मिलाकर दर्शकों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. हम लोगों के पूरी जितने अभी तक 10 गाने बने हैं वो सभी गाने ऐसे हैं कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं. और आने वाले समय में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि इस तरह के सॉन्ग्स लाए जाएं जिनको आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकें और हर एज ग्रुप का बंदा उसको देख सके. ऐसे तो बहुत सारे हैं बट एक ये था कि हमारा झगड़ा ज़रूर होता था प्रोफाइल्स को लेके कि मेरा ये प्रोफाइल अच्छा है, मेरा ये प्रोफाइल अच्छा है, बाकी सब अच्छा था. हमारा रात का सीन जो शूट हुआ था बीच के वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा था. इट वॉज़ वेरी नाइस बिकॉज द वेदर वॉज़ वेरी गुड, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. इट वॉज़ वेरी फंटास्टिक. मज़ा आया और इंटेंसिटी तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है. मैं एक्टर ही इंटेंस हूँ, वो मैं जहाँ जाता हूँ साथ लेके ही चलता हूँ. और ये गाना जब मैंने सुना तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने योगेश को बोला कि करना. तो जितनी भी हमारी कोशिश हम कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की कि आपके सामने दिखा दें, आप लोगों को पसंद भी आया. नहीं, देखो ये लीन्स म्यूज़िक की कोशिश है, एक शुरुआत है और ये तो पहला गाना है. अभी तो 5-6 और कर चुके हैं और बहुत सारे गाने आने वाले हैं और सारे गाने एक से एक बढ़िया ही बन रहे हैं. 2-3 मैंने सुने जो मुझे बहुत पसंद आए
मैंने योगेश को बोला कि ये तो शुरुआत है, अभी और करेंगे हम साथ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और बेहतर और बढ़िया करते ही जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। ये हमने मडारिन में शूट किया, एक बीच फेसिंग बंगलो है उस पर हमने शूट किया, बीच हाउस बोलते हैं उनसे, तो वहाँ पे शूट किया। अभी बताइए सर, आप बोलिए कुछ। करेंगे सर, हम लोग कंटिन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सर के साथ अभी हम लोग जल्दी एक सॉन्ग और करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी चल रही है, तो अभी करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी रिस्पॉन्स कैसा है, गाने अच्छा रिस्पॉन्स मिला जो आपने दोस्त किया, जो सरप्राइज जी, क्या कहना चाहेंगे, अच्छा लग रहा है। ये सबसे पहला रिव्यू तो मैं मेरी मम्मी से लेता हूँ, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, उनको बहुत पसंद आया। सबसे पहला रिव्यू तो अपने घर वालों का ही होता है, कोई भी आप काम करते तो उनसे पूछते हैं, मम्मी ये किया है कैसा लगा, तो बहुत पसंद आया। और जितने लोगों से मैंने शेयर किया, टीज़र शेयर किया, वो सबको बहुत मज़ा आया, और जब खुद को करने में मज़ा आता है तो दूसरों को भी मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। हो गया सर, पता वो म्यूजिक बबली 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 सर बबली सर अच्छा हां हमको वो बैठे हैं ओके इसके चैनल पे चले गए। देखो आपने जिस तरह से म्यूजिक दिया है, आपने जिस तरह से लिरिक्स उसका लिखा है, लोगों को बहुत पसंद है, हमें भी काफ़ी पसंद आया, तो प्लीज आपसे एक प्रश्न चाहता हूँ कि आप लोग किस तरह से आप उस गाने के साथ आगे बढ़े, किस तरह से कोई जर्नी स्टार्ट कर सकते। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, पहले लिरिक्स आया था लाउड, और हम लोगों ने मतलब पहले हम लोगों के पास लिरिक्स आया था, बट हम लोग लिरिक्स में हम लोग सोच रहे थे कि कैसे बनाएं, समझ नहीं आ रहा था सबसे पहली बात। और ये हम लोगों का तभी बात भी नहीं हुआ था कि कोई कंपोज कहीं पे देना है, जस्ट फॉर हम लोग को बनाना है। फिर इनका जस्ट दो चार लाइन आया था, फर्स्ट चार लाइन हम लोगों ने कंपोज किया, फिर हम लोग को अच्छा लगा कि चार लाइन हम लोग को सबसे पहले हम लोगों ने क्रैक किया था उसका हुक लाइन जो पंच होता है, तो वो हम बनाया। और फिर हम इनको बुलाया, आतिक जी को बुलाया कि आप प्लीज़ आइए आगे, हम कंपोज नाना नाना कर चुके हैं, इसमें आप लिखिए। फिर उन्होंने उसने लिखा है, तो हम इस तरीके से हम लोग साथ में बैठ के भी कंपोज किए बनाया। ओके, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था सर, प्लीज़ आप बताइए कैसे मैम के साथ। मैम के साथ मैं पहले भी काम किया हूँ, बट ये वाला एक दिन मैं रास्ते में ऐसे जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आदमी प्यार करता है तो उसको मिलता क्या है, तो मैंने सोचा प्यार करता आदमी का दो ही चीज़ होती है, एक नाम होता है एक बदनाम होता है। तो फिर मैंने ये लिरिक्स लिखा, फिर मैंने मैम को भेजा, मैंने कहा मैम ये लिरिक्स बनाया हूँ आप ज़रा देख लो। तो मैम ने देखा, पहले तो एक दो बार तो पसंद ही नहीं था, देखी ही नहीं उसको, बाद में मैंने बोला मैम आप देख नहीं रहे हो लिरिक्स देखो ना, तो वो देखी तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने कंपोज किया, फिर उस पर अंतरा वगैरह हमने लिखा जी। तो आप इतने बदनाम हुए थे, क्या लगता है गाने में भी एक्टर एक्ट्रेस ने बदनाम हुए, क्या लगता है? बदनाम नहीं, मुझे लगता है कि नाम होगा, नाम होगा। हाँ। नाम हुआ। हाँ। प्लीज आप बताइए। ये गाना एक्चुअली जब लिरिक्स मिला है तो उसके बाद लिरिक्स के हिसाब से हम लोगों ने बहुत अच्छा से रोमांटिक उसका कंपोज किया, देन काफ़ी बार हम लोगों ने बनाया और जब तक अच्छा नहीं बना। एक्चुअली हम दोनों साथ में ही बैठते हैं, दोनों हम लोग साथ में ही हो, फिर लिरिक्स को भी बुलाते हैं, एटलीस्ट हम तीन लोग चार लोग साथ में बैठ जाते हैं, सिंगर को भी हम सामने बिठा देते हैं। आफ्टर लिए बहुत अच्छा कंपोज होके आया है, एंड जो हिमांशु जी है उनको बहुत अच्छा लगा, देन हम लोगों ने फाइनल रिकॉर्डिंग पे गया, और जो सिंगर है हम लोगों ने चूज़ किया सनी हिंदुस्तानी क्योंकि उनका वॉइस से ही गाना जा रहा था, तो इसी सब तक हम लोगों ने फाइनल रिकॉर्ड किया। जब हम लोगों ने वीडियो देखा तो वीडियो बहुत अच्छा लगा और सबको ही अच्छा लगा। अच्छा लगा।
क्योंकि हम बनाया था इस तरीके और से और अभी ऐसा ही चल रहा है क्योंकि हम लोगों का रिक्वायरमेंट था कि हम इस टाइप से बनाएं सो हम लोगों ने बनाया था थैंक यू सो मच मैंने इसमें किया नहीं है करने वाले नहीं मैं तो यहाँ पे एज ए गेस्ट आई हूँ सॉन्ग देखा आपने कैसा लगा सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट किया है इतना अच्छा सॉन्ग है आप सबको अच्छा लगा होगा डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सॉन्ग है एंड होपफुली लोगों को भी इतना ही पसंद आएगा जितना हमें आया है हम एज एन एक्टर्स हम लोगों को इतना पसंद आया तो ऑडियंसेस को भी अच्छा ही ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा और मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूँ तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस और ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था और ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा है जेन्युइनली मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन के साथ बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ काम किया बट ये प्रोडक्शन बहुत डिफरेंट है हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कोऑपरेटिव है इंक्लूडिंग अवर आर्टिस्ट अवर राइटर एवरीवन इज़ वेरी सुपर और बहुत अच्छा था इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक मूवी के प्रीमियर पे गई थी वहाँ से भागते हुए यहाँ पे आई हूँ एंड आई डिडंट वांट टू मिस दिस और बहुत ही प्यारा गाना है आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा वीडियो में जो इमोशंस दिखाए गए हैं बहुत ही प्यारे हैं एंड इट्स गुड आप सबको देख ही रहा है कि ये इतने से सॉन्ग में ही हमने पूरी स्टोरी दिखा रखी है सॉन्ग लगभग 3-3.5 मिनट का बट उसमें एक पूरी की पूरी एक स्टोरी को फिल्माना वो अपने आप में बड़ी बात है कैसे लड़की रो रही है कैसे ब्रेकअप होता है कैसे जुड़ रहे हैं कैसे अलग हो रहे हैं जो हम 3-3.5 घंटे की फिल्म में देखते हैं वो हम एक 3 मिनट के गाने में देख रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बात है वो भी इतनी खूबसूरती के साथ सब कुछ उसमें बयां किया गया है तो वो सबसे डिफरेंट है और वो गाना अपने आप में बहुत बखूबी बहुत कमाल है धमाल है आपने खुद देखा होगा थैंक यू Excuse me, I'm so special. मेरा नाम आमिर शाह है और मैंने इनके साथ एक म्यूज़िक वीडियो किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा क्योंकि प्रोडक्शन हाउस बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इवन हमने जब करने के लिए इसको रेडी किए और जो हमारी मीटिंग हुई थी प्रिपरेशन मीटिंग हुई थी उसके दौरान और टिल द लास्ट शॉट जब हमने शूट किया पैकअप तक काफ़ी सपोर्ट रहा पूरी टीम का डायरेक्टर्स जो थे वो क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ थे कि उनको कौन से शॉट्स लेने हैं क्या करना है सो काफ़ी स्मूथ शूट रहा हमारा और इस प्रोडक्शन के साथ मेरा ये पहला काम है बट ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ डायरेक्टर्स के साथ बीइंग या फिर जो प्रोडक्शन में हमारे आनंद जी थे आनंद भाई उनके साथ मेरा पहले एक काम हुआ था लेकिन बहुत पहले हुआ था तो उनके साथ भी काफ़ी एक पुराना रिलेशन वापस है हमारा हुआ जी मैं समझा नहीं आगे वाले प्रोजेक्ट जी डेफिनेटली एक हमारी इंडस्ट्री पूरे रिश्ते पे ही चलती है पता ही आपको और रिश्ता बनता भी आपके काम से ही है जब आप काम करते हैं तो सामने वाला आपके काम को देखता है तरजीह देता है आपको पसंद करता है आपके काम की वजह से तो फिर हमारी एक दूसरे की जो बॉन्डिंग बनती है काम के थ्रू वो और आगे फ्लरिश करती है हमारी उम्मीद है कि हमारा ये प्रोडक्शन हाउस और भी ज़्यादा आगे फ्लरिश करे और हम साथ में बैक टू बैक काम करें क्योंकि जब आप साथ में काम करते हो पुरानी टीम के साथ तो ऐसा लगता है कि आप एक होम कमिंग पे आ रहे हो ऐसा लगता है आप वापस अपने घर पे ही काम कर रहे हो थैंक यू सो मच आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शूट डन बाय द टीम मिस्टर आनंद मिस्टर योगेश अभिषेक मिश्रा एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सब ने बहुत अच्छी तरीके से उस रोल को निभाया है बहुत अच्छी कोरियोग्राफी है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और टीम बहुत अच्छी है ऐसी टीम मिलना बहुत कम होता है कि आज की डेट में मिलती है लोगों को शूट टाइम से होता है ख्याल रखते हैं आर्टिस्ट का एंड आई थिंक दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एरा राइट नाउ टू यू नो आर्टिस्ट को अच्छे से बात करना उनसे अच्छे से रहना उनको अच्छे से बताना तो समटाइम्स नो हिकअप्स नथिंग इज देयर
So I believe I said all the best to this production house and aur zyada grow kare. तो आनंद जी को मैं पहले से जानती हूँ और उनके साथ आज से आई थिंक मैं 5 साल पहले काम कर चुकी हूँ. तब भी बहुत अच्छा लगा था और जब अभी हाल ही में हमने काम किया तब भी बहुत अच्छा लगा. इस बार कुछ नए लोगों से टीम में मुलाकात हुई, लाइक अभिषेक जी, योगेश जी और भी जो भी टीम में मेंबर थे, सब बहुत ही कूल, बहुत ही काम. और ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट को कोई परेशानी नहीं, इवन किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई. शूट बहुत अच्छे से हो गया. इवन जो हमारी शिफ्ट थी उससे पहले हमारा शूट हो गया, तो सब बहुत खुश भी थे और बहुत कूल तरीके से हुआ. और जो हमारा गाना आने वाला है वो आप लोग देखिएगा, ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा. यू विल फाइंड द प्रॉपर रवि तेजा स्टाइल. अच्छा पहले तो बताएंगे, इन लोगों ना ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है. आप लोग को पता है हम लोग कितने इग्नोर है बचपन से ही. तो वो मुझे बोला दीदी आओ ना ब्लेसिंग देने, और मुझे चूज़ किया है तो इसका मन में तो कुछ है ही नहीं है ना दादा. तो दिल से दुआ आते हैं, तो ऐसे लोग इसके दिल में कुछ नहीं रहते हैं, उन लोग तो भगवान देखते हैं. और गाना के बारे में बोलो तो अच्छा ही है, अच्छा लगा. लेकिन दिल से दुआ है, इन लोगों को ब्लेसिंग के लिए बुलाया है. और एक बात, कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट. तुम तुम्हारे काम पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो मन का ताकत नहीं रहेगा. तो एक्चुअली बिजनेस पैसा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, काम पे पूरा फोकस देना है जिसे मेरा काम सही हो जाए. मेहनत करो, दिल से दुआ है मेरी तरफ से, मेरे हम लोग की कॉमी की तरफ से दिल से दुआ है. थैंक यू. अरे इसके अलावा रेखा जी के नाम से आपको जानते हैं और आज रेखा जी का बर्थडे है, क्या कहते हैं? ओह माय गॉड. पहले तो नमस्ते रेखा मैम, दिल से दुआ है मेरी तरफ से, मेरी कम्युनिटी की तरफ से. बहुत सपना है आपसे मिलके, मिलने का. पूरा बम्बई लोकल ट्रेन के दीदी लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरा और आपका एक फ़ोटो आ जाए. दिल से दुआ है, दिल से दुआ है आप लंबी उम्र जियो. थैंक यू मैम. थैंक यू. आपकी तो क्या करेंगे, वो तो देखने से आप लोग को पता, पहले तो आप लोग को ही पता चलेगा ना. और आप लोग ही कर सकते हो जल्दी बुलाने के, है ना, जल्दी मिलाने के लिए. नमस्ते मैम और नमस्ते सब मीडिया वालों, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज मुझे लोग जानते हैं. नहीं तो मुंबई लोकल ट्रेन में दीजिए दीजिए ऐसे ही घूमना पड़ता. आप लोग को भी सैल्यूट, दिल से दुआ है. ऐसे ही मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को और भी, पूजा शर्मा को बाहर को निकालो और भी निकालो. थैंक यू. थैंक यू दादा, सबको नमस्ते. अच्छा रुको मेरे अंकल, अंकल अंकल बेटा सामने देखो, चलो चलो चलो. गाइस यस यस, आप लोगों ने गाना देखा थोड़ा सा बदलाव, आप लोगों को कैसा लगा गाना और आज कितना बढ़िया मजा आया आपने यहां पर. किससे स्टार्ट कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट विद भाई. बहुत खुशी हुई, जो इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते थे वो हमारे तक पहुंचा. और देख के बहुत प्योरिटी फील हुई कि बहुत प्योरली इस सॉन्ग को शूट किया है और लोगों ने एक्ट किया है, तो वाकई बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और उनकी केमिस्ट्री भी एक्चुअली बहुत अच्छी, जो जो बॉन्डिंग उस एल्बम में दिखी दैट वाज रियली फैंटास्टिक. ना एंड एज एन एल्बम में कहीं ना कहीं ट्विस्ट भी दिखा है, वो जो प्रैंक का पार्ट आया था वो भी एक किस्म से ट्विस्ट था, कि कैसे स्टार्टिंग में कुछ अलग दिखाया देन वो चेंज होता है. इट वाज नाइस. मेरे वर्ड्स तो ज्ञानेंद्र ने ले लिया, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. मैंने इतना देखा नहीं बिकॉज आई वाज वेरी लेट, बट मैं ज़रूर देखूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर देखो. थैंक यू. थैंक यू.